जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हिंदी साहित्य में सभी लोगों को फटाफट उत्तर बताना है और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको क्या मिल गया है, अब ज्वाइन बटन भी अपन को प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय आर भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, चरण बताना है, कितने चरण हैं, दो चरण हैं, तीन चरण हैं, चार चरण हैं या फिर पांच चरण हैं, ये चरण आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय आर भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएं और उत्तर आपका होगा दोस्तों कितने चरण हैं, भारतीय आर भाषाओं के जो चरण हैं वो है तीन चरण। कितने हैं, तीन, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है, जबकि है ना। तो ये जो संस्कृत को कठोर कहा है, ये संस्कृत को कठोर किसने कहा है, राजशेखर ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, बामन ने कहा है या फिर स्वयंभू ने कहा है। तो किसने कहा है, तो अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक दो का जो उत्तर बता दिया है कि राजशेखर, है ना, राजशेखर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि प्राकृत को मीठी है और संस्कृत को कठोर है। अब एक चीज बताना दोस्तों, जिसका राज चल रहा है, जिसका राज चल रहा है वो किसी को कुछ भी बता सकता है, बोले हमें तो प्राकृत मीठी लगती है और संस्कृत कठोर कहता है, क्योंकि राज चल रहा है इनका, तो राजशेखर, ठीक है, राजशेखर आपका बिल्कुल सही होगा। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि बताना है कौन है, ये चीज बतानी है। चार विकल्प आपके सामने हैं, चार में से आपको चयन करना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर एक विकल्प देवसेन दिया है, ये देवसेन साहब की रचना है कौन सी, श्राप का चार, है ना, श्राप का चार है। इसका रचना काल क्या है, 933 ईस्वी है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, हिंदी की प्रथम रचना है श्राप का चार, ठीक है, देवसेन की है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, आप सभी को पता है पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, अभिमान मेरु। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण, इनका एक ग्रंथ कौन सा है, महापुराण है, जिसमें 63 शलाका पुरुषों की चर्चा की गई है महापुराण में, ठीक है। और रामसिंह की एक रचना है दोस्तों पाहुड़ दोहा, कौन सी है, पाहुड़ दोहा, हमने याद की थी कि राम कहाँ गए थे, पहाड़ गए थे, बन गए थे, तो ये पाहुड़ दोहा किसकी होगी, रामसिंह की होगी। लेकिन राम काव्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, है ना। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्वयंभू है दोस्तों, इन स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राम कुमार वर्मा ने। और राउल बेल इनकी रचना है, राउल बेल रचना है स्वयंभू की, राउल बेल तो रोड़ा कवि की, राउल बेल तो रोड़ा कवि की है, इनकी है कौन सी है, राम काव्य पर आधारित
स्वयंभू की आपको बताना है, राहुल बेल तो रोड़ा कवि की है, स्वयंभू की राम काव्य पर आधारित जो रचना है वो आपको ही बताना है ना, मुझे क्या नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है वो। अगला बताना हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है, जल्दी बताओ हिंदी में हिंदी साहित्य। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत क्वेश्चन कर देते हैं, क्या करते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य आप बोल देते हो कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो आप लगा देते हो गारसदा तासी, लेकिन बात यहाँ पर होती है दोस्तों हिंदी में हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है स्योसेन सेंगर ने, गारसदा तासी ये फ्रेंच विद्वान थे तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। हाँ पयोमचर्यु, वेरी गुड प्रदीप जी, पयोमचर्यु रचना है इनकी राम काव्य पर आधारित स्वयंभू जी की, वेरी गुड पयोमचर्यु, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में लिखा स्योसेन सेंगर ने, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसदा तासी ने, सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन का प्रयोग किया गया तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि ग्रियर्सन की कृति है, और रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद ग्रंथ है जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर होते जाएं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, मैंने कई बार आपको याद करवाया है दोस्तों, कैसे याद करवाया कि आधा जो है, आधा सुमन आधा कुसुम आधा फूल किसी को नहीं दिया जाता है ना, किसी को नहीं दिया जाता ना, तो आधा इतिहास कौन लिखेगा, आधा, बोले सर आधा किसी को नहीं दिया जाता, क्या फूल सुमन कुसुम है ना, ये सभी पर्यायवाची हैं, तो ये सुमन राजे ने लिखा है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिख दिया, बच्चन सेन ने लिख दिया, मैंने आपको याद करवाया था, बोले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखो, तो बोले दूसरा इतिहास कैसे लिखें, ये बच्चन का काम थोड़ी है, ये बच्चन का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है दूसरा इतिहास लिखना। और रामचंद्र शुक्ल का तो पता ही है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, ठीक है, और सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अगला आपको बता रहे दोस्तों, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कह दिया, अंधकार काल, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, त्रिलोचन ने क्या कहा है, मिश्र बंधुओं ने आपको पता है इन्होंने क्या कह दिया, अलंकृत काल है ना, क्या कह दिया मिश्र बंधुओं ने, क्या कह दिया त्रिलोचन ने, तो आपको बताना है दोस्तों अंधकार काल जो कहा है वो किसने कहा है, और अंधकार काल कहा किसने, त्रिलोचन साहब ने, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रीति काल को, ठीक है, हाँ बी नंबर सही होगा। अगला बताओ हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन से हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कौन है, हाँ मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, वेरी गुड। और संक्षिप्त, आप लोग संक्षिप्त के चक्कर में पड़े रहते हो कि बोले सर हिंदी साहित्य संक्षिप्त में पढ़ा दो, जो विश्व के लोग विश्व भर में क्या है, संक्षिप्त पर पढ़े रहते हो, यार विस्तृत कौन पढ़े, संक्षिप्त पढ़ लो, संक्षिप्त है ना, तो विश्वनाथ त्रिपाठी संक्षिप्त इतिहास लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हैं। बच्चन सेन ने तो बता दिया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिख दिया, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में है ना, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, और ये नंबर आपका विश्वनाथ त्रिपाठी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है, बंग महिला हैं, चित्रा मुदगल हैं, जानकी देवी बजाज हैं या फिर कौशल्या बैसंतरी हैं। हमने एक रचना, एक आपकी आत्मकथा याद करवाई थी, दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप किसको मिला, कौशल्या को मिला दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंतरी है ना, और जानकी देवी बजाज ने क्या की, अपनी गाड़ी अपनी जीवन यात्रा है ना, मेरी जीवन यात्रा जो है बजाज गाड़ी से स्टार्ट की थी जानकी देवी बजाज ने, और पहली कहानी लेखिका मानी जाती है बंग महिला, बंग महिला यानी कि राजा बाला घोष
है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका उपनाम है बंग महिला, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताना है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। प्रेमचंद का उस उपन्यास का पात्र बताना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रश्न क्रमांक 9। रंग भूमि का है, निर्मला का है, कर्म भूमि का है या फिर सेवा सदन का है, किसका पात्र है सूरदास। और सूरदास की जब भी बात आती है तो हम सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि सूरदास जी वात्सल्य के चितेरे कवि कहा जाते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी है ना, इनकी रचनाएं हैं। सूरदास कुंभनदास के, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टछाप में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं तो सूरदास माने जाते हैं, है ना। और इनके जो सूरदास जी हैं वो रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास जी, ठीक है। सूरदास हैं रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। रंगभूमि, निर्मला, कर्म भूमि, सेवा सदन है ना, ये सभी जो हैं वो किसके हैं दोस्तों, ये सभी प्रेमचंद जी के हैं। और एक उपन्यास आपको हमेशा याद रहता है कि अधूरा रह गया मंगल सूत्र, प्रेमचंद जी का मंगल सूत्र अधूरा रह गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं दोस्तों मंगल सूत्र अधूरे, जो प्रेम करते हैं, है ना। ऐसे ही प्रेमचंद जी का भी मंगल सूत्र अधूरा रह गया। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, कौन सी रचना अवधि में नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, है ना, और बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका या फिर पद्मावती, जसवंत जी, हाँ बाल विकास की कक्षा अभी बंद हो गई है ना। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, अवधि में नहीं है बतानी है, तो अवधि में कौन सी नहीं है दोस्तों, अवधि भाषा में। हमने आपको अवधि भाषा में जितनी रचनाएं हैं वो आपको बताई थी कि जहां पर राम आए वो अवधि भाषा में है, है ना। और तो यहां पर जो गड़बड़ हो गया है कुछ, है ना, क्या गड़बड़ हो गया, रामचरितमानस भी आपकी अवधि में है, पद्मावत भी आपकी अवधि में है, ठीक है, लेकिन आपकी जो विनय पत्रिका और बैराग संदीपनी जो है ना, ये जो सी नंबर है और जो बी नंबर है ये तो ब्रज भाषा में है ना। तो विनय पत्रिका यहां पर हालांकि उत्तर दिया है सी नंबर, विनय पत्रिका, ठीक है। तो विनय पत्रिका ब्रज में है, विनय है ना, मंगल और राम आए, तो बैराग संदीपनी भी आपकी ब्रज भाषा में है ना, ब्रज में है। तो बी और सी ये दोनों ही आपके सही होंगे, ये अवधि में नहीं है। पद्मावत अवधि में है, रामचरितमानस भी अवधि में है, ठीक है। अगला बताना है आपको सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं। सिद्धों में संध्या या फिर संध्या, संध या फिर, हाँ हमारे पीछे क्वेश्चन दिखाई नहीं देते, संध्या, तो बताना है किस भाषा शैली में रचनाएं लिखी हैं सिद्धों ने। विनय पत्रिका भी ब्रज में है, हाँ। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है और 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का इन्होंने दोस्तों संध्या भाषा, यहाँ पर संधि भी नहीं है, संध्या भी नहीं है, संधा भी नहीं है, संधा सही होगा, संधा भाषा शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। किसने, सिद्धों ने, है ना, तो याद रख लेना। सिद्धों की संख्या कितनी बताई है, 84 बताई है ना। सरहपा क्या है, इसके प्रमुख है, सरहपा की एक रचना कौन सी है, दोहा कोश इनकी रचना है सरहपा जी की, और सरहपा को राहुल जी ने यानी कि राहुल शांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना, तो ये चीज भी याद रखनी है। सिद्धों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है, जी हाँ दोस्तों बढ़िया ही प्रश्न है। रामकुमार वर्मा के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, वो भी कैसा लिखा, अधूरा लिखा है ना। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये अधूरा है दोस्तों, इसमें केवल भक्ति काल तक ही वर्णन मिलता है आलोचनात्मक इतिहास में, है ना। लेकिन
जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने संधि काल का जो समय माना वो क्या मान लिया, संधि काल का। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर बताना है दोस्तों, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 750 से 1000 का जो काल है इन्होंने संधि काल माना, और संधि काल के बाद इन्होंने चारण काल माना, चारण है ना, चारण काल। तो आपको याद रख लेना है हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चारण काल अपने ग्रियर्सन साहब ने भी कहा है और इन्हीं राम कुमार वर्मा जी ने भी कहा है। 750 से 1000 का काल इन्होंने संधि काल माना है राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा, जय है ना, जय काल बताना है किसने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मोहन अवस्थी ने या ग्रियर्सन ने। तो जय काल बताना है दोस्तों, किसने कहा ये जय काल। यहां पर अगर हम बात करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बीज बपन काल कह दिया है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो दोस्तों क्या कह दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कह दिया, क्या कह दिया है ना, राम और शंकर की क्या हो, जय हो, जय हो है ना। और यहां ये चीज याद रखनी है, जय काल जय किसकी हो, राम की और शंकर की। तो आपका जय काल किसने कहा, रामा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मोहन अवस्थी, और अवस्थी से अवस्था हो जाएगा दोस्तों, अवस्थी से अवस्था। और जब आपकी अवस्था जितने लोग देख रहे हैं सभी की अवस्था अगर बुढ़ापे की आ जाए तो लाठी का आधार ले लेना, इस प्रकार से जो लाठी होती ना, लाठी, लाठी का आधार ले लेना। तो आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने है ना, बोले सर अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं लाठी के आधार पर चलता हूँ, आधार, तो अवस्था हो गई तो आधार लेना है, ठीक है। तो आधार काल इन्होंने कहा है मोहन अवस्थी जी ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है, घुटन, घुटन होने लगी किस विधा, आत्मकथा, रेखा चित्र, कहानी या फिर उपन्यास से। तो आत्मकथा भी आपने पढ़ी है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा हम पढ़ते अर्धकथानक, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की, ठीक है। और अर्धकथा हम पढ़ते हैं नगेंद्र की आत्मकथा है ना, आत्मकथा हम नगेंद्र की पढ़ते हैं अर्धकथा, और अर्धकथानक हम पढ़ लेते हैं किसकी, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और जो घुटन रचना है ये किसकी है, आत्मकथा है, आत्मकथा की है ये है ना। और एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोहन का आधार कार्ड, मोहन का आधार कार्ड तो आधार कार्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाल्मीकि है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। परवेज कुरैशी जी, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, आत्मकथा है ना, घुटन। अगला देखो, गर्दिश के दिन, बहुत ही कई बार मैंने आपको बताया है कि गर्दिश के दिन ये आत्मकथा है किसकी है, कितने पाकिस्तान, आपको पता है कितने पाकिस्तान एक रचना लिखी है, किसने लिखी है, किसने लिखी, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, मैंने आपको याद करवाया था, बोले सर पाकिस्तान कितने हैं, जल्दी बताना है आपको, गर्दिश के दिन आत्मकथा बताना है, दोस्तों ये जो घुटन है, ये घुटन, वेरी गुड, अपने कुरैशी जी ने बहुत बढ़िया यहां पर सही बताया है कि जो घुटन है, ये घुटन जो रचना है, घुटन ये है दोस्तों आपके कौन की, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है अपने कुरैशी जी ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है ना। घुटन जो रचना है ये रमाशंकर आर की है, यहां पर याद रख लेना, आत्मकथा है ये किसकी है, रमाशंकर आर है ना, ये रमाशंकर आर की है घुटन है ना, इसको याद रखेंगे। और
जो हमने बताई थी कि जो घोटन वाल्मीकि है, जूठन है ना, जूठन वाल्मीकि साहब की है, जूठन जो है जूठन वाल्मीकि आत्मकथा है, और ये घोटन जो आत्मकथा है रमाशंकर आर्य की है, ठीक है, ये चीज याद रखनी, रमाशंकर आर्य की है ना। हाँ वेरी गुड, तो इसको याद रखेंगे। और गर्देश के दिन ये कमलेश्वर जी की है, कमलेश्वर जी, बनारसी दास जी की अर्ध कथानक है ना, और जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा और मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की ही है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा और राहुल सांकृत्यायन की भी मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की भी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ और रामानुज, ये जल्दी से बताना है दोस्तों। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, कोई बात नहीं, देखो जब कोई क्वेश्चन गलत होता है और जब क्वेश्चन को आप गलत से सही करते हो तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और गलत को आप सही करते हो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। घोटन किसकी है, रमाशंकर आर्य की, जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ना, तो होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक दोस्तों, पुष्टि मार्ग के सभी लोग प्रवर्तक बताएंगे, सभी लोगों को पता है, और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य है ना, वल्लभाचार्य यानी कि आपका जो वल्लभाचार्य जी हैं, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, ए नंबर, ठीक है। है ना, अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। नेक्स्ट बताना, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो रचनाएं हैं वो सारी करवाई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है ना, और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला ये चीज भी बतानी है। तो दोस्तों हम जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1968 में मिला चिदंबरा के लिए, सुमित्रानंदन पंत को है ना, 72 में अपने दिनकर जी को मिल गया उर्वशी है ना, कैसे याद किया था कि दिन में बसी, दिन में उर्वशी, दिन में उर्वशी तो दिनकर, और 72 साल की हो गई उर्वशी है ना, उर्वशी, महादेवी वर्मा जी की यामा, यामा के लिए मिला इन्हें 1982 में, ठीक है, और अज्ञेय के लिए मिला 1978 में मिल गया इन्हें, ठीक है, तो इनको सभी को याद रखना है। इस जो अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली रचनाएं थे, जो साहित्यकार थे, वो भी आज की वीडियो में ही अपन ने याद किए हैं है ना, तो ये तो सभी को याद हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम है ना, चिड़िया ने चीऊ किया, हाँ हाँ चीऊ किया, तो भामह, बामन, मम्मट, आनंदवर्धन, तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बामन, ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं, और भामह माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, और शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम आनंदवर्धन है ना। और दोस्तों कोई अच्छी सी ध्वनि आपके शरीर में सुन जाए, आपके शरीर आपको सुन जाए, तो आपके शरीर को क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है शरीर को, तो यहाँ पर शरीरम शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, कोई अच्छे से शब्द बोल दें शरीर में आनंद आ जाता है ना, आनंद आ जाता, आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम ये आनंदवर्धन की परिभाषा है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है, मैंने आपको समाचार पत्र भी याद करवाए हैं, पढ़ाए हैं, ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं,
हमने याद करवाए थे क्या, प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना, याद है आप लोगों को ट्रिक, प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, यानी कि जो हिंदी प्रदीप था, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बाल से बालकृष्ण भट्ट, ये हमने याद करे थे, है ना, ठीक है, प्रदीप के बाल भटा से भरत गए। अब प्रदीप जी हैं, बोले सर आप वही वही क्यों बोल रहे हो, हाँ वेरी गुड। तो ये दैनिक समाचार पत्र यहाँ पर पूछा गया, तो ये समाचार सुधा वर्षण है, ठीक है, 1854 में श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। और दोस्तों प्रथम समाचार पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड, और ये उदंत मार्तंड क्या था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना, हिंदी का अगर आपसे पूछा जाता ये दैनिक काट देते, ये दैनिक समाचार पत्र काट देते, प्रथम अगर इस इतना बस पूछा जाता प्रथम, तो आप लगा देते उदंत मार्तंड, है ना, और यहाँ पर दैनिक की जगह साप्ताहिक कर दिया जाता साप्ताहिक, तब भी आप लगाते उदंत मार्तंड, लेकिन यहाँ पर अगर दैनिक दैनिक अगर दिया है तो आपको यहाँ आ जाना है समाचार सुधा वर्षण पर, ठीक है, समाचार सुधा वर्षण पर। और दोस्तों ये बंगदूत पत्रिका 1829 में प्रकाशित हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, बंगदूत पत्रिका 1829 में, और ये 1826 में उदंत मार्तंड, है ना, ये 1854 में हुआ था समाचार सुधावर्षण, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, है ना। अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, अवधि, अवधि को बघेली, दोनों, कोसली या इनमें से कोई नहीं, तो किस नाम से जाना जाता है अवधि भाषा को, प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर बताना है। और अवधि को जहाँ जाना जाता है प्रश्न क्रमांक 20 में, अवधि, अवधि को कहा जाता है क्या, कोसली, कोसली यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अवधि को कोसली भाषा के रूप में जाना जाता है, और वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेह लीला की रचनाकार कौन है, स्नेह लीला, है ना, स्नेह है हमें, है ना, किससे स्नेह है, विष्णु जी से, किससे स्नेह है, विष्णु जी से स्नेह है, तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे, विष्णुदास होंगे, है ना, विष्णुदास, 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 तो विष्णुदास यानी सी नंबर स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास जी हो जाएंगे। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था, 22, शांत था, श्रृंगार था, वीर था, या फिर हास्य था, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था। दोस्तों आपने पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर इस आदिकालीन आदिकाल का नाम रख दिया वीर गाथा काल, है ना, वीर गाथा काल रख दिया, 12 रचनाओं को प्रमाणिकता का आधार माना, और वीर रस की रस का जो इसमें प्रधान था और आश्रय कवि हुआ करते थे, मतलब जो है विभिन्न प्रकार के जो आश्रित राजाओं के आश्रित थे उनकी यशोगान का वर्णन करते थे, तो पूर्ण रूप से इन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं माना गया, ठीक है। अगला आपको बताना है, निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है, मनोविश्लेषणवादी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी, यहाँ आप लोग कन्फ्यूज होते हो, देखो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं कौन कौन, जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं, ईला चंद्र जोशी माने जाते हैं, अज्ञे माने जाते हैं, ये तीनों ही माने जाते हैं दोस्तों, और एक और माने जाते हैं, अगर किसी को पता हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, है ना, एक और माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, अज्ञे, जैनेन्द्र और ईला चंद्र जोशी, ये मनोविश्लेषणवादी कवि हैं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। डॉक्टर देवराज, है ना, डॉक्टर देवराज जो हैं वो भी माने जाते हैं, डॉक्टर देवराज, ठीक है, याद रख लेंगे, वेरी गुड, परवेज खुरैसी जी, डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं, ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, बहुत बढ़िया। अगला बताना, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, प्राचीन, दोहा है, वरवे है, छप्पे है, या फिर सवैया है, सबसे प्राचीन छंद की बात हो रही है, और सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है,
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि छंद माना जाता है प्राचीन दोहा, दोहा माना जाता है, यानी कि ए नंबर आपका दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोहा प्राचीन छंद है और दोहा में आप पढ़ते हैं ना 13-11। निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक है ना, चार तार सप्तक प्रकाशित हुए दोस्तों, और तार सप्तक मैंने याद भी करवाए थे, तार सप्तक के कवि याद करवाए थे, है ना। तार सप्तक की बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक बताई थी, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बताने वाला हूँ तार सप्तक के कवि, प्रथम के कौन हैं, द्वितीय के कौन हैं, तृतीय के कौन हैं, है ना। नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, कोड है एक तार सप्तक का, नैमी मुक्त भारत की, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, ये ऐसा कोड मैं आपको कर करके बताऊंगा। और तार सप्तक के नैमी चंद्र जैन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, अज्ञेय भी हैं, तो कौन नहीं है? रामधारी से दिनकर साहब नहीं है, दिनकर यानी सी नंबर, ठीक है, दिनकर साहब नहीं है। रामायण महानाटक की रचयिता कौन है दोस्तों? ये 1610 का नाटक है, ये पूछा गया है एल टी ग्रेट में पूछा गया, यूपी एल टी ग्रेट में, है ना, कि रामायण महानाटक की रचना कौन है? ज्योतिषर ठाकुर हैं, नाभादास हैं, प्राणचंद चौहान हैं, या फिर दामोदर कवि हैं? तो आपको पता है कि रामायण हमारी क्या है? प्राण है। तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे? प्राणचंद चौहान, है ना। और एक रचना है वर्ण रत्नाकर, वर्ण काय में पढ़ना है, वर्णमाला या फिर वर्ण पढ़ना है हमें ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, ज्योति में पढ़ना है, तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की है। भक्तमाल आपको पता है नाभादास की है भक्तमाल, ठीक है। और दामोदर कवि की कौन सी है? दामोदर कवि की आपको बताना है कौन सी है, कमेंट में लिखो फटाक से, दामोदर कवि की रचना कौन सी है जो प्रसिद्ध है, पूछी जाती है? जल्दी से बताओ कौन सी है दामोदर कवि की रचना, कमेंट में आपको लिख देना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा है? सादुक्कड़ी, हाँ, वेरी गुड परवेश जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर, पंडित दामोदर शर्मा की है, ठीक है, वेरी गुड, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, है ना, एस जी राकेश जी। अब सादुक्कड़ी, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा? सादुक्कड़ी, सादुक्कड़ी बताना है। एक दोस्तों आपने पढ़ा था पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, बोले दोस्तों जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो पंचमेल खिचड़ी विभिन्न प्रकार के मेल किया जाएगा तो ये कैसी होगी? सुंदर होगी। कैसी होगी? सुंदर होगी। तो श्याम सुंदर ने कहा था, क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। लेकिन सादुक्कड़ी किसने कहा था? तो सादुक्कड़ी कहा था किसने? शुक्ल जी ने, है ना, शुक्ल जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा द्विवेदी जी ने, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर ने, ठीक है, श्याम सुंदर। तो कबीर की भाषा को फिर पूछ लिया गया पंचमेल खिचड़ी, तो पंचमेल खिचड़ी कैसी होगी? कैसी होगी पंचमेल खिचड़ी? सुंदर होगी, सुंदर, है ना। बोले सर बहुत सुंदर खिचड़ी थी पंचमेल खिचड़ी, है ना। तो श्याम सुंदरदास बाबू, श्याम सुंदरदास ने कह दिया कि ये जो कबीरदास की भाषा है ये तो पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है दोस्तों? द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? वियोगी हरि नहीं है, मैत्रीषण गुप्त नहीं है, अंबिका दत्त व्यास हैं, या रामनरेश त्रिपाठी? नहीं है, बताना है। द्विवेदी युग के आपको पता है कि जो द्विवेदी युग है दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ गया द्विवेदी युग, है ना। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो ये 1903 में बन गए सरस्वती पत्रिका के संपादक, है ना, और 1920 तक जमे रहे सरस्वती पत्रिका में, है ना। और सरस्वती पत्रिका की जब बात आती है तो सरस्वती पत्रिका दोस्तों 1900 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, और श्याम सुंदर, श्याम सुंदर जो थे वो क्या थे? इसके प्रथम संपादक थे। और दोस्तों इसके जो संस्थापक, संपादक और संस्थापक में बहुत कम कंफ्यूज हो जाता है,
सभी लोग में। और चिंतामणि जो घोष थे वो सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संस्थापक थे, प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर, और 1900 में ये प्रकाशित हुई थी, है ना, तो याद रख लेना है। और द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ये अंबिका दत्त व्यास कौन से युग के हैं, ये भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, है ना। वियोगी हरि हैं, मैत्रीचरण गुप्त भी हैं, राम नरेश त्रिपाठी भी हैं, ठीक है, तो इनको अपन याद रखेंगे। अगला बताना, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है, दोस्तों प्रथम रचना बताना है, कृष्ण शतक है, रस कलश है, प्रिय प्रवास है, या वैदेही वनवास है, तो 30 का आंसर ये कई बार पूछा गया है ना। और अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की जब बात आती है दोस्तों, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाट, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की कई बार पूछी गई है, ठेठ हिंदी का ठाट, ठेठ हिंदी का ठाट, ये रचना कई बार पूछी गई। और प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास तो आपको पता है कि जो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का, खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, ठीक है। और अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाट बिल्कुल सही है। और इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है कौन सी, कृष्ण शतक, है ना, कृष्ण शतक, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, एक नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, एक नंबर, जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, इनकी रस कलश भी है, वैदेही वनवास भी है, कृष्ण शतक भी है, और प्रिय प्रवास भी है, ठीक है, ये सभी लोग याद रखेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।